वेलकम है। चार प्रोसेस दिया हुआ है, बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस का मतलब है पैरा से डाया मैग्नेटिक होना या डाया मैग्नेटिक से पैरा मैग्नेटिक होना, ठीक है, पैरा से डाया हो जाए या डाया से पैरा हो जाए। सो देखो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, एक तो लॉन्गर है सबका, ये मोटी बनाइए फिर सॉल्व कीजिए। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में या मॉलिक्यूलर थ्योरी के रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो रिजल्ट में किस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, आपको याद रखना है कि O2 जो होता है वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है, O2 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2। यहाँ पर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ, देख लीजिए मैं करके आ रहा हूँ, मैं यहाँ स्पीशीज लिखूंगा, दिस इज स्पीशीज, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर एंड दिस विल बी मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, दिस विल बी मैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो O2 16 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, अगर O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 हो जाएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। नंबर से याद रखिए, ठीक है, आप O2 याद रखिए ना रखिए, बट नंबर से आपको याद रखना है, ठीक है। 14 पे 3 होता है, 15 पे 2.5, 16 पे 2 होता है। अगर मैं 17 चला जाऊं तो 1.5 हो जाएगा और 18 इलेक्ट्रॉन चला जाऊं तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 था तो ये आपका पैरा मैग्नेटिक है, ये भी पैरा होगा, ये भी पैरा होगा, ये आपका डाया मैग्नेटिक होता है, ये आपका डाया मैग्नेटिक होता है। देखो टेबल याद रखना है, सबके निकालने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो गया ना तो अब 2.5 हो जाएगा और 12 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 हो जाएगा और ये आपका 2.5 है ना, ये आपका पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर आपका 12 इलेक्ट्रॉन है तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका डाया मैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल बी डाया मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबका इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, सीधा सीधा देखना है, ये 12 इलेक्ट्रॉन है, ये 11 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये कितना है, ये आपका 15 इलेक्ट्रॉन है, ये कितना है 14 इलेक्ट्रॉन है, ये कितना है 16 इलेक्ट्रॉन और ये 17 है 15 इलेक्ट्रॉन, ये 14 इलेक्ट्रॉन और ये 13 इलेक्ट्रॉन। सो देखो बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, तो देखो इसका छोड़ दो, ये तो कम ही हो जाएगा, ठीक है, इसका 1.5 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, बट मैंने टेबल में वह बनाया नहीं, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो गया, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। 15 से 14, 15 में देखो 2.5, 14 में 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बट क्वेश्चन मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कितना है 15 इलेक्ट्रॉन का पैरा, तो ये पैरा मैग्नेटिक और ये डाया मैग्नेटिक, तो अपना आंसर अपने को मिल गया, बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज, तो ये अपना आंसर होगा। मोर देन वन करेक्ट होगा तो बाकी भी चेक करना होगा ना, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 है बॉन्ड ऑर्डर, इसका 2.5 होगा, ये पैरा मैग्नेटिक होता O2, ये तो याद रखिए, ये भी पैरा मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं किया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया है, दोनों होता तो आंसर होता, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, देख लीजिए टेबल से, ये होगा आपका डाया मैग्नेटिक, ये होगा पैरा मैग्नेटिक, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया है बट क्वेश्चन बोला है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, तो अपना आंसर सिर्फ ओनली वन है एंड दैट इज पी। टेबल रट्टा मारिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जॉइंट में, अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो एक तो टाइम बचेगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, थैंक यू।